नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी हम बात करेंगे जैनिक के कुछ अपडेट एंड जो क्वेश्चंस हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस टॉपिक पे मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा और सभी को बताना भी चाहूँगा कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं या पॉसिबल नहीं है। जो आपने बहुत सारे कमेंट देखे होंगे नीचे कि भाई मेरा रिकवरी की जो है वो खो चुका है, तो क्या वो उसको हम रिकवरी कैसे करें या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो समझो पहली चीज़, जो भी डिसेंट्रलाइज होता है उसका एक की होता है, ठीक है, जो प्राइवेट की बोला जाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव करता है। कोई एप्लीकेशन को अगर रिकवर करना है तो वो जो मेन चाबी है जिसको हम प्राइवेट की बोलते हैं वो होना ज़रूरी है। वहाँ पे जो आप पिन बनाते हैं ना, पिन की पिन बनाया हमने, हमारे पास पिन याद है हमें, लेकिन हमारे पास प्राइवेट की नहीं। पिन से कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट की अलग होता है, पिन अलग होता है, दोनों चीज़ को समझो, ठीक है। अदर जो ब्लॉकचेन पे ये सारी चीज़ें जो डिसेंट्रलाइज होती हैं वो की के भरोसे चलती हैं, जो प्राइवेट की होती हैं। जैसे क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं वो जो एडमिन होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनके पास वो चाबी होती है, तो वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो समझ के आप अपने की को, अपने कॉइन को सेफ़ रखना चाहते हो तो पहले अपनी चाबी को सेफ रखो, ठीक है। कॉइन ट्रांसफ़र करने से पहले नोमो ऐप का पहले आप पूरा डिटेल अपने एक कॉपी और अपने नोटबुक में लिख के रख लें, तब वो चीज़ें आप करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने लोगों में ऐसा आता है कि सर मेरा 2000 कॉइन था, मेरा 20000 कॉइन था, मेरा 15000 कॉइन था। भाई आपसे मिस्टेक हुई, कंपनी से नहीं, ठीक है। जो कंपनी के ऊपर आप उछालने लगते हैं उंगली कि मेरा कॉइन कई, एक केस मेरे पास आया था, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बंदे ने मेरे पास कॉल किया कि सर मेरा कॉइन ही खो गया। मैंने कहा कॉइन खो गया? बोला कॉइन कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया। हमने कहा कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया? बोला फिर उसका जो मैटर था ना, उसका जो क्या था कि उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो फॉरगेट कर दिया, पूरा एप्लीकेशन सारा कुछ डिलीट कर दिया और फिर से नोमो ऐप को उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास तो नया आ रहा है, उसकी की तो अलग रहेगी, फर्स्ट वाले के की ही नहीं लिखा था। बोला मैं वो जो पिन बना है वही पिन डाल के चालू कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वो क्या बोलते हैं इसका जो कॉइन है वो रिसीव नहीं दिखा रहा, वहाँ पे वैलेट में नहीं दिखा रहा। तो सारी चीज़ें मैंने समझी, फिर मैंने उसको समझाया। हमने कहा भाई 17000 या 16000 जो भी कॉइन था गया, वो नहीं मिल सकता। बोला कंपनी कैसा काम करती है, ऐसे लॉस हो गया वो। मैं कहा भाई सब चीज़ आपको, हर चीज़ कंपनी ने डिटेल में वीडियोज भी शेयर किए गए हैं, और आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मैटर भाई जो कंपनी के खिलाफ बोले जाते हैं, लेकिन गलती उन्हीं बंदे की होती है, जो सही बता रहा हूँ, गलती उन्हीं की है, गलती हम आपकी ही है, लेकिन हम कंपनियों के ऊपर उंगली दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी ये कर रही, वो कर रही, ये कर। भाई मानता हूँ जो भी है सही चीज़ें हैं या गलत चीज़ें हो रही हैं, जो भी कंपनी ने बोला वो चीज़ कर रही है, लेकिन भले ही टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन समय पे नहीं हो रहा ये मानता हूँ मैं, लेकिन हो जरूर रहा ये मैं कह सकता हूँ। बने रहो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, आपको एडवांस लेवल में हर चीज़ें मिलने वाली है, तो आप सभी पेशेंस बना के रखे रहो। अब इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो ठीक है, अगर नहीं किया है, करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।